हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डायमंड बक्स वर्सेस पैडर्स बेसबॉल मैच के बारे में, जो मेजर लीग बेसबॉल का होने वाला है। तो इस मैच के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम के किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, और आपको ये भी बताऊंगा कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, कितने मैच जीते हैं। इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। क्या पता इस वीडियो में आप GLB विन कर जाएं। बाकी इस वीडियो के बाद आप अच्छा खासा विन तो कन्फर्म करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों उसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद प्राइज ब्रेकअप के बारे में बात की जाए तो 1,00,000 रुपये ग्रैंड लीग है दोस्तों। बाकी फिलहाल मैं आपको स्मॉल लीग के लिए टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्मॉल लीग में हमारा काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। पहले मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम दे रहा था, तो दोस्तों हमारी टीम थी वो 3 नंबर 4 नंबर या फिर 30 इतने नंबर तक कन्फर्म आ ही आ रही थी, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, 200-300 इतना ही प्रॉफिट हमें हो रहा था। लेकिन दोस्तों स्मॉल लीग है, उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप स्मॉल लीग में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात की जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं जो फाइनल टीम होगी वो आपको सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम पर सर्च करिए TT Playing 11, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके साथ 1.5K बंदे जुड़ चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात की जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, तो अब बात की जाए AD यानी कि डायमंड बक्स के बारे में। तो डायमंड बक्स ने अभी तक 119 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर इन्होंने 118 मैच प्ले किए हैं। तो 118 में से 38 में विन और 80 में लॉस का सामना किया है, तो काफ़ी फद्दू टीम है, अच्छी खासी टीम नहीं है। तो इस टीम से हम काफ़ी कंप्लेंट उठाने वाले हैं। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता है, क्या पता हमें काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर भी देखने को मिल जाएं। इसलिए दोस्तों हम इस मैच में काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके चलने वाले हैं। तो दोस्तों इस मैच में एक काफ़ी अच्छी खासी टीम होने वाली है और एक टीम काफ़ी डूबोने वाली होने वाली है। मैं पैडर्स यानी कि SDP के बारे में बात करूँ, तो SDP ने 119 मैच प्ले किए हैं, तो इसमें उन्होंने 66 में विन और 53 में लॉस का सामना किया है। तो पैडर्स हमारे लिए काफ़ी अच्छी खासी टीम होने वाली है। और दोस्तों वही बात की डायमंड बक्स के बारे में, तो वो ख़राब टीम होने वाली है। तो इस मैच में आप 4-5 या फिर 3-6 का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। आप इस मैच में 6 या 3 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि 6-3 का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम फ्लॉप भी हो सकते हैं, हमारी टीम हार भी सकती है। तो दोस्तों मैं टीम बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कि दोस्तों हमारी टीम ऐसी होगी जिससे हम अच्छा खासा विन कर जाएं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम के लिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे से टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीम में किस फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करूँ फील्डरों के बारे में, तो वो फील्डर मैंने यहाँ पर ग्रीसम, फार्म और पेल्टा को उठाया है। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑफील्डर को उठा लिया है। ग्रीसम मैंने ऐसे प्लेयर उठाया दोस्तों जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा हो, और पिछले 3 मैचों से काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है ग्रीसम का, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम के लिए उठा लिया है। बाकी दोस्तों लाइनअप आने के बाद स्टैट के ऊपर होता है, जो आज रात को मैं निकालूंगा और उसी स्टैट के आधार पर मैं आपको फाइनल टीम दे दूंगा टेलीग्राम पर। फॉर्म के बारे में बात करें तो पिछले मैच में फ्लॉप थे, लेकिन उससे पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे प्लेयर को उठाएंगे जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहा और सोच रहे 0 पॉइंट थे तो उनको बैटिंग का मौका नहीं मिला था। 9 प्लेयरों में किस किस को बैटिंग का मौका दिया जाए आप ये बात खुद समझ सकते हैं। और पेराल्टा के बारे में बात करें तो दोस्तों केवल 7 पॉइंट इन्होंने लिए थे, और 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं बेसबॉल मैच के अंदर, ये कोई क्रिकेट नहीं है जहाँ पर आपको 80-100 पॉइंट देखने को मिल जाए। और दोस्तों अब बात की जाए इनफील्डरों के बारे में, तो यहाँ पर मैंने मार्कडो उठाए, मार्कडो आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, आप इन्हें कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं अपनी टीम का, तो आप मार्कडो को अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है। फ्रेजर के बारे में बात करें तो 4-4-7, तो इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है पिछले कुछ मैचों से, तो आप इन्हें भी अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं एज अ प्लेयर। बाकी दोस्तों आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी, 6-7-11, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है निक अहमद, तो आप इनको अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। दोस्तों मैं कैबरा के बारे में बात करूं तो कैबरा आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, आप इन्हें भी अपनी टीम में कैप्टन या वो कैप्टन लेकर चल सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 11 टीमें बना रहे हैं, तो दोस्तों आप ऐसे प्लेयर को लेकर चलिएगा जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा हो, वो ड्रीम टीम में हो, DT हो यानी कि ड्रीम टीम में रह रहे हो। दोस्तों अब बात की जाए पिचर के बारे में, तो मैंने गैलन को उठाया, पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर 13 पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के मैच में भी शायद टीम से ड्रॉप भी हो सकते हैं। अगर टीम से ड्रॉप होते हैं तो हमारे लिए कोई अच्छा खासा ऑप्शन खुल जाने के बाद मैं आपको टीम दे दूंगा। बाकी दोस्तों आपके लिए गैलन ही अच्छी खासी चॉइस होने वाली है
एज अ पिचर। और कैचर के बारे में बात करूँ तो तुमने कराटिनी को उठाया है, तो पिछले मैचों से कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए लगातार 5 से 6 मैचों में ड्रीम टीम में रह रहे थे, तो दोस्तों हमें ऐसे प्लेयर उठा के चलने हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रह रहा हो, और दोस्तों हम ऐसे प्लेयरों से अच्छा खासा विन भी कन्फर्म कर पाएंगे। पिछले मैच इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला था, इसीलिए इनका 0 पॉइंट आप देखो देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं, कैप्टन की मैगडो और वाइस कैप्टन की मेरे पास अहमद की, दोनों अच्छी खासी चॉइसेस हैं भाई। दोस्तों एक बार लाइनअप आएगा उसी के आधार पर मैं आपको फाइनल टीम दे पाऊंगा टेलीग्राम पर, तो इसको सेव करते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।